हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरजीत वर्ल्ड। मेरा नाम है हरजीत और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी। एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी ओपन है। आज मैं उसकी डिटेल्स देने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक कैबिन क्रू रह चुकी हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर्स फ्लाई किया है, 4 ईयर्स डोमेस्टिक और 4 ईयर्स इंटरनेशनल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है हरजीत ड्रीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जो ये वैकेंसी ओपन हुई है वो ओपन हुई है एयर इंडिया सैट्स के साथ और पोजीशन है कस्टमर सर्विस एजेंट की। तो जैसे ही आप ये वैकेंसी ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा उनका जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जरूर एक बार ही उसे पढ़कर जाएं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको हो सकता है वो वहाँ पर जो वर्ड्स मेंशन किए हैं तो वो थोड़े डिफिकल्ट लगे या आपको समझ ना आए, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपको ये सब पता हो। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और आप उसका जवाब दे देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके बारे में कि आपने हार्डवर्क किया है, आपने एटलीस्ट एफर्ट किए हैं उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए। तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। तो कस्टमर सर्विस एजेंट का काम होता है कि अगर कोई ड्यूटी ऑफिसर नहीं है, एब्सेंट है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करेगा और उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो बोर्डिंग पास इश्यू करेगा, एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट्स करने होते हैं और जैसे फ्लाइट आती है तो वहाँ पर वो जाएंगी और पैसेंजर्स डिसएम्बार्क हो रहे हैं, मतलब उतर रहे हैं, तो उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारे काम उनको करने होते हैं और भी बहुत सारे काम हैं। और जैसे कि VIP कस्टमर्स हैं तो उन्हें गाइड करना, उनकी हेल्प करना, उन्हें असिस्ट करना, और अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो उस सिचुएशन को हैंडल करना, उनके अनाउंसमेंट्स करना, तो ये सारे काम होते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट के। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कस्टमर सर्विस एजेंट का काम क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है इस जॉब के लिए। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए एनी स्ट्रीम। और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। येस, फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एज रिक्वायरमेंट है नॉट मोर देन 35 ईयर्स। तो अब मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ। लोकेशन है दिल्ली। आपको दिल्ली में रहकर काम करना होगा। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो आपको रीलोकेट होना होगा। इस वैकेंसी के लिए आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट 24/7 काम करता है, वहाँ पर रात दिन फ्लाइट्स आती जाती रहती हैं, तो आपको उसके साथ काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है गुड कमांड ओवर कंप्यूटर। कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको बोर्डिंग पास इशू करने पड़ सकते हैं तो वो कंप्यूटर से होंगे, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, चेक इन करना होगा तो वो भी कंप्यूटर से होगा, तो आप उनको असिस्ट करेंगे तो आपको भी आना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं और मैंने जो आपको जॉब प्रोफाइल बताई है वो सुनकर अगर आप डर गए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सारा काम सिखाया जाएगा, तभी आपको फ्लोर पर भेजा जाएगा काम करने के लिए। मैं अभी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, मींस आपने उनको आधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ जब आप फॉर्म भरेंगे या आपको उनको मेल करेंगे तो अच्छे से करें, सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। तो एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि पासपोर्ट इशूड ऑन और आफ्टर 2018 और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम SP और पुलिस कमिश्नर। तो इसका मतलब यह है कि आपके अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपके पास पासपोर्ट 2018 से पहले का है तो आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जो आपको SP या पुलिस कमिश्नर से लेना होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अपना CV सेंड करना है उनकी ईमेल एड्रेस पर जो कि है careers@aisats.in। आप अपने CV के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजना ना भूलें। इस वैकेंसी की लास्ट डेट है 30th of November। और अगर आप वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उनका वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है 16th and 17th November को। इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब आप उन्हें ईमेल सेंड करेंगे तो ध्यान में रखें कि आप सब्जेक्ट में
उनको जॉब कोड मेंशन कर दें, अपना नाम, और या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो हाईलाइट कर वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है एविएशन में या कहीं और, जो भी आपके हाईएस्ट सर्टिफिकेट हो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए आप मेक श्योर कि आप ध्यान में रखें कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, आप वो सब्जेक्ट में डाल सकते हैं ताकि वो ईजिली उनको दिख जाए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।